हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय होम फ्रेंड्स फ्रॉम नीलूज़ किचन 22 और मिश्रा फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, मैं दिखा रही हूँ आज कितना ज़्यादा ठंडी है, बिल्कुल ठंड अपने चरम सीमा पर है। और ये मेरी बालकनी है, बालकनी का व्यू है। देखिए, धूप बिल्कुल भी नहीं है इस समय, 10:30 के करीब का टाइम हो रहा है और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अभी शाम हो गई है। और बहुत ज़्यादा सर्दी है इस समय। और देखिए, बाहर भी कुछ पेड़ लगा रखे हैं मैंने, 1-2-4 गमले। उधर आप जैसा देख रहे हैं सीढ़ी है नीचे जाने का रास्ता, और फिर जैसे ही एंटर हुए ये मेरा ड्राइंग रूम। तो फ्रेंड्स, आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और एकदम अंधेरा अंधेरा से, जहाँ भी लाइट नहीं जल रही तो उस रूम में एकदम अंधेरा लग रहा है। और ये देखिए, मैं छत पे आज कितने प्यारे मेरे गुलाब खिले थे, तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको। और ये देखिए, धनिया लगा रखी है मैंने, जो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, बीच बीच में तोड़ती रहती हूँ। और मार्केट से भी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती है। और ये देखिए, गुड़हल है, ये गुड़हल वो वाला गुड़हल होता है जैसे गुलाब की कलियाँ होती हैं वैसा वाला, बहुत ही क्यूट सा खिलता है। हालांकि इस समय इसका सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खिल रहा है, डेली 5-6 फूल खिल जाते हैं। और ये जो है नॉर्मल वाला गुड़हल है, लेकिन इस समय बिल्कुल नहीं खिल रहा है, इसमें बहुत दिन से कोई फूल नहीं आ रहा है। और छोटे मोटे पेड़ और भी लगा रखे हैं, ये इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हैं, ये सीजनल है, सर्दियों में इसमें गुच्छों में फूल खिलता है। ये देखिए कलियाँ, रेड कलर के बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं। ये कनेर है, कनेर पिंक वाला कनेर है, वैसे तो बहुत ज़्यादा खिलता है लेकिन इस समय कलियाँ आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। और ये भी गुड़हल है पिंक कलर का। ये देखिए, नीम का सीज़न चला गया, बहुत बड़ा पेड़ था तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। और सदाबहार है और शो प्लांट है, ऐसे ही कर करके थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए हैं। इधर केले का आप देख रहे हैं, इधर तुलसी रखी हुई है। और देखिए, ये मुझे अपना पेड़ बहुत प्यारा लगता है, जो इसका आप गमला देख रहे हैं, ये मैं दिवाली में जो मेले में लगते हैं शॉपिंग वाला, वहाँ से लेकर आई थी, शॉप जो फुटपाथ पे लगाते हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और नीम का पेड़ तो मेरा बहुत ही बड़ा हो गया था तो मैंने कट कर दिया। और ऐसे ही छोटे मोटे पेड़ लगा रखे हैं मैंने। और ये देखिए, एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये मैंने चिड़ियों के लिए एक घर टांगा था प्यारा सा, मगर अफसोस है कि आती नहीं है। मैं पहले आती थी, कभी कभार आके बैठ जाती थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा था। मैं गई थी लखनऊ महोत्सव से लाई थी पिछले साल, तो मैंने लाके इसको लगा दिया था। और आज सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है, इवन बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन। तो देखिए, मेरा प्यारा सा मंदिर जो पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं, और ये माता रानी। और फ्रेंड्स, आप सोचेंगे अचानक से ये क्या सीन आ गया, तो ये सीन ये है कि मेरा अचानक से ही प्रोग्राम बन गया अपनी मम्मी के यहाँ जाने का, जो कि मेरा मायका लोकल ही है। तो बस मैं ओला बुक कर रही थी, तो बहुत टाइम लग रहा था ओला वाला आने को, मुझे घर के बाहर ही एक ऑटो मिल गई, तो मैंने फिर उसको बुक कर लिया। और मुझे जल्दी से पहुँचने की थी, तो फिर मैंने कहा चलो भैया आप ही ले चलो जल्दी से, और मैं निकल पड़ी। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ रोड पे, बहुत जगह इतना जाम था, इतना जाम था। मैंने जितनी ही ज़्यादा कोशिश करी जल्दी चलने की, उतना ही ज़्यादा मुझे हर स्टॉपेज पे रुकना पड़ा, लेट होती रही मैं, और हर स्टॉपेज में ऑलमोस्ट जाम ही जाम था। हाय एवरीवन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नीलू के किचन में आपका स्वागत है, लेकिन आज मैं अपनी मम्मी के आई हूँ और ये मेरी मम्मी का किचन है, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो मेरी मम्मी के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरा मायका है। और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। और अभी मैं पालक पनीर बना रही हूँ यहाँ पर, तो अभी तो कर मैंने तेल गर्म हो रहा है इधर, और पनीर फ्राई करके रखी है प्याज कट के डालने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊँ। और मैं कोई रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ इस समय, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ। और देखिए, ये किचन है मम्मी का, एक लुक देख लीजिए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में अपने किचन में। बाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हों।
तो ये देखिए मैं और मम्मी हम लोगों ने किचन में 2-3 फ़ोटो खींची थी। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर आपको मिलवाऊंगी। टाइम बहुत कम था तो ऐसे ही मैंने 2-3 फ़ोटो खींच ली थी। और देखिए अब मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी है, पालक पनीर और मटर भी डाला है मैंने इसमें। हालांकि पापा इतना सारा नाश्ता पानी ले आए थे कि खा खा के मेरा पेट भर गया था, तो खाना ज़्यादा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना बनाना था तो हम लोगों ने बनाया खाया। फ्रेंड्स देखिए मैं मम्मी के यहाँ से वापस आ गई थी और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि एकदम हालत ख़राब है इस समय। और बस अब करीब 10:30 बज रहा है तो सोऊंगी मैं। और बहुत एंजॉय किया मैंने वहाँ, और मुझे लगता है हर बेटियाँ अपने मायके जाके बहुत एंजॉय करती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए जाएँ, लेकिन वो थोड़ी देर भी बहुत सुकून और बहुत आरामदायक पल होते हैं। माँ बाप के पास बैठना, उनसे सब कुछ शेयर करना, और आप लोग भी ज़रूर जाते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को। तो बस आ गई थी मैं, खाना पीना खा के आई थी, तो ऐसा कुछ खास काम ही नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बता दूं। और बहुत जल्दी मैं किसी नए ब्लॉग में मिलूंगी आप लोगों से। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं या रेसिपीज़ अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्यम नीलू मिश्रा फैमिली ब्लॉग और फ्रॉम नीलूज किचन 22। आप लोगों से किसी नए ब्लॉग में मिलूंगी। प्लीज़ आप सब अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।